अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, काफ़ी हद तक बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाई किए हम शुरू करेंगे कहानी एक पहल प्रेम की, पार्ट 77। सीधा स्टोरी से शुरू करना चाहेंगे। जैसे ही नित्या की जो भाभी है वो आ जाती है, कॉलिंग बेल बजाती है, तो एकदम से ये दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। जो कशिश है थोड़ी बहुत टीज तो करती है नित्या को, उसके पास मौका भी थी और दस्तूर भी, तो उसने इस चीज़ को बहुत अच्छे से आजमाती है। और जैसे उसकी भाभी आती है तो नित्या एकदम से बोल पड़ती है कि शिट, गलत टाइमिंग है। तो कशिश भी हंसती है और बाद में ये लोग पढ़ाई वगैरह करने लगती है। लेकिन पढ़ते पढ़ते जो कशिश है उसकी माइंड में एकदम से वो सीन याद आती है जब जो विजय सर थे वो एकदम से टकराए थे नित्या से। वो चीज़ जैसे वो याद करती है, वो एकदम से नित्या मैम की फेस की ओर देखती है। नित्या पढ़ाने में बिजी थी, वो बस पढ़ा रही थी, उसकी ध्यान कहीं और थी नहीं। वहाँ पे राहुल भी आके एक साइड पे बैठ गए थे, तो नित्या उससे बात कर रही थी, तो उसको भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ाने लगती है। जैसे लगता है ना छोटे बच्चों को ABCD जैसे पढ़ाते हैं, वैसे ही कशिश की ध्यान जैसे ही नित्या की ऊपर थी, नित्या पढ़ाते पढ़ाते एकदम से उसकी ध्यान भी कशिश की ओर आती है थोड़ी ही देर के लिए। तो दिखती है कशिश बड़ी गौर से नित्या की फेस की ओर एक टक देख रही थी। जैसे ही देख रही थी तो एकदम से नित्या पूछती कि कशिश, आर यू ओके, एवरीथिंग इज़ ओके ना? कशिश एकदम से बोलती कि यस मैम, एवरीथिंग इज़ ओके। तो बोलती कि लग तो नहीं रही है, क्या हुआ, कुछ हुआ है अचानक तुम मुझे इस तरह से देख रही हो? कोई बात है क्या, कुछ बोलना चाहती हो या पूछना चाहती हो क्या मुझसे? तभी कशिश बोलती कि पूछना तो नहीं चाहिए, पर वो मैं आज वो लंच आवर की बात करना चाह रही थी, पर मुझे लगता है कि इट्स ओके, मैं नहीं पूछती हूँ। तभी एकदम से जो नित्या है बोलती कि कशिश इतना क्या सोचना है, पूछ लो ना क्या पूछना है तुमको मुझसे। तभी कशिश बोलती कि आपको नहीं लगता कि विजय सर कुछ ज़्यादा कर रहे हैं? मतलब मैंने देखी थी आप लोग जिस वक्त कैंटीन से चले गए थे क्लासरूम की ओर, उस वक्त मैं और जानवी भी निकल चुकी थी क्लासरूम के लिए जाने के लिए। तो जिस तरह से विजय सर आपसे टकराए थे वो जानबूझ के टकराए थे। जैसे ये सुनती है कशिश की मुँह से नित्या तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। और नित्या एकदम से बोलती कि कशिश, मैंने अपनी तरफ से मना कर दी है, तुम भी जानते हो मेरे मन में क्या है। तभी कि कशिश भी बोलती कि मैंने आपसे कोई क्लेरिफिकेशन मांगी ही नहीं मैम, ना ही मुझे आपके बारे में कुछ चीज़ नई तरीके से बताने की ज़रूरत है। मैं आपसे कुछ पूछ ही नहीं रही हूँ आपके बारे में, मैं बस ये बोल रही हूँ कि विजय सर जानबूझ के चीज़ें कर रहे हैं। जस्ट टेक केयर ऑफ यू सेल्फ, आप ध्यान से रहिए, बाकी मैं देखती हूँ। तभी एकदम से नित्या बोलती कि क्या देखोगी तुम, ज़रा ये भी बता दो। कशिश बोलती कि फ़िलहाल तो कुछ नहीं, पर अगर बात सर से ऊपर तक जाए तो शायद। तभी नित्या बोलती कि कशिश, वो प्रोफेसर है, कुछ नहीं करना, बात तुम्हारे ऊपर ना आए ये चीज़ का ध्यान रखना तुम, बाकी तुम जो चाहो वो करो। नित्या ये बात हंसते हुए बोलती है, पर कशिश हंसती नहीं है, वो बोलती कि देखते हैं। और तभी नित्या भी पूछती है, एक बात बताओ, जानवी को क्या हो गई है, बताओगी? तब जो है कशिश थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताती है कि हम लोग वो मॉल गए थे क्योंकि मासी ने कॉल करे थे, वहाँ से फिर ये सिचुएशन हुई और जो जानवी है वो फंस गई थी। और अलग बात ये थी कि वहाँ पर बरखा थी और पता नहीं बरखा चिड़ी हुई थी, वो इस तरह की बातें करी। तो नित्या भी हंसती और बोलती कि तो अच्छा, तो दोनों में अब काटे की टक्कर हो रही है, जाने दुश्मन। तभी एकदम से जो कशिश बोलती कि जाने दुश्मन वाली तो बात नहीं है, पर बहुत सारी चीज़ डिफरेंट भी है, आई डोंट नो, मुझे जानवी से डायरेक्टली बात करनी है कि नहीं करनी है, मुझे समझ ही नहीं आ रही। तभी नित्या बोलती कि टेक ए टाइम, उसको थोड़ी सी वक्त दो, वो खुद समझ जाएगी। तभी कशिश बोलती कि वो खुद नहीं समझेगी,
आपको बलबुद्धि वाले कुछ चीज़ें याद है? उनकी बलबुद्धि होती कि हाँ, कुछ लोगों के पास ना कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बुद्धि वगैरह होता है जो सारी मामलों में समझ आ जाती है, पर जिनके खुद के मामले होते हैं वो समझ नहीं आते। वो मुझे बहुत अच्छी से समझा सकती है इन सारी चीज़ों में, पर जब बात उसकी आएगी ना तो उसे समझ ही नहीं आएगी। तभी नित्या हंसते हुए बोलती कि अच्छा, खैर तुमसे बेहतर तुम्हारी बहन का और कौन जानेगी, तुम हो ना संभालने के लिए, संभाल लेना, अभी हम पढ़ाई कंप्लीट कर ले। पढ़ाई कंप्लीट करने लगते हैं ये लोग, और जो सीता जी है वो भले ही नित्या के साथ थोड़ी सी रूढ़ बर्ताव करती है, पर बाकियों के साथ उनकी जो व्यवहार थी ना वो बहुत पोलाइटली थी। तो वो जो है थोड़ी बहुत कॉफ़ी वगैरह, जो थोड़ी सी नाश्ता वगैरह होता है वो लेके आती है, नित्या के लिए भी लेके आती है। तो नित्या शांत थी, वो देती है और एकदम से राहुल को बोलते हैं कि बेटा यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, तुम क्या कर रहे हो, चलो नित्या को पढ़ाने दो, आ जाओ। तभी राहुल बोलते हैं कि मैं भी तो पढ़ रहा हूँ ना, नित्या मुझे भी तो पढ़ा रहे है, मम्मी मुझे यहाँ पे रहने दो, मुझे भी पढ़ाई करने है। अच्छा, तुम्हें भी पढ़ाई करने है? तभी एकदम से कशिश बोलती है अच्छा, तो राहुल को पढ़ाई करना है, ठीक है, हाँ ना, मुझे भी तो पढ़ाई करना है, कि बढ़िया है, वैसे पढ़ाई करके तुम बनोगे क्या? मुझे ना पुलिस ऑफिसर बनना है। तभी एकदम से नित्या बोलती है अच्छा, तो मेरे राहुल को पुलिस ऑफिसर बनना है, और नहीं तो क्या, मैं ना चोर को पकड़ूंगा और ढाई ढाई करके मारूंगा। तभी जो है कशिश एकदम से हर्ष पड़ती है, बोलती कि हाउ क्यूट, चलो इसी बात के लिए ना मैं तुम्हारे लिए एक और चॉकलेट लेके आऊँगी, ठीक है। तभी राहुल खुश हो जाता है, बोलती कि सच्ची में? बोलती कि हाँ सच्ची में। थोड़ी बहुत वहाँ पे चीज़ें नॉर्मल होने लगते हैं, और जो कशिश और नीता है ये दोनों भी थोड़ी बहुत नाश्ता वगैरह करके देखते देखते थोड़ी सी वक्त और बीत जाते हैं। अब कशिश के जाने की वक्त भी आ चुकी है। नीता को बहुत अच्छी लगती है कि कशिश आई है, वैसे भी उसकी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक नहीं थी तो कशिश खुद आई है, ये चीज़ उसे बहुत अच्छी लगती है। पर जब जाने की वक्त आती है तो ऐसा होता है ना, मन मचल जाती है कि नहीं आज जाने नहीं देने चाहती है, वो सारी सिचुएशन होने लगती है। नित्या की फेस थोड़ी सी मायूसी से भर जाती है। कशिश नोट करती है और बोलती कि अब क्या हो गई, अब मैं ना भी जाऊँ घर पे? देखिए पढ़ाई करने के लिए आई हूँ, हमेशा रहने के लिए नहीं आई हूँ। तभी नित्या बोलती है आई नो, कितने सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं ना, चाहकर भी हम वो नहीं कर सकते जो हमें करना है। तभी कशिश बोलती कि देखिए आई नो आपकी भावनाओं को मैं समझ रही हूँ, पर थोड़ा सा वक्त शायद, और अभी वो वक्त शायद नहीं आए हैं, अभी तो ज़िंदगी की तौर शुरू हुई है हम दोनों की एक साथ, बाकी चलते चलते देख लेंगे। तभी नित्या हंसती और बोलती कि मैं छोड़ा हूँ तुम्हें। कशिश बोलती कि आप घर से ना जाइए, थोड़ी सी रेस्ट करिए, इसीलिए तो मैं आई हूँ, और अगर आप अभी मेरे साथ मुझे घर छोड़ने के लिए जाओगी, मुझे घर छोड़ोगी फिर वापस आओगी, तो वही तो मेहनत हुई ना, तो मेरे आने की क्या फ़ायदा हुई? तभी नीता बोलती कि हाँ तुम कितनी सोचती हो। बोलती कि देखिए मेरी एक लौती है, तो थोड़ी सी उसकी करीब जाती, उसके कान के पास बोलती कि मेरी एक लौती मैडम उफ गर्लफ्रेंड है, समझा करिए, थोड़ी बहुत ध्यान तो रखनी ही पड़ेगी ना। नित्या हंस पड़ती है, बोलती कि ठीक है जाओ तुम भी ना। वहाँ से वो एकदम से नित्या को साइड हक करती है और राहुल को एकदम से टाइटली हक करके बोलती है अगली बार ना चॉकलेट लेकर आऊँगी, ठीक है। राहुल भी उसे हक करता है, बोलती कि ओके। यहाँ से कशिश जो है वो सीधा जाने के लिए तैयार होती है जाह्नवी के घर, लेकिन उसे याद आती है कि उसने अपनी मॉम को कही थी कि मॉम मैं भी जाऊँगी, तो पहले अपनी मॉम को फ़ोन करती है कि मम्मा मैंने वो कर ली है पढ़ाई वगैरह, आप क्या कर रहे हो? बोलती कि बेटा मैं तो घर पे हूँ। बोलती कि ठीक है मैं आ रही हूँ, क्योंकि वो स्कूटी लेके गई थी। तो पहले वो घर जाती है, जाके फटाक से वो जाके शावर वगैरह ले लेती है, और फिर वो स्कूटी लेके ही अपनी मॉम को लेके वो जाह्नवी के घर पहुँचती है। जाह्नवी घर तो पहुँच गई थी, शावर वगैरह ले चुकी थी, पर वो जो लिफ्ट में जो मोमेंट हुई थी, पूरी की पूरी गलती तो जाह्नवी की थी, पर उसने तो वही गलती जो है, एक्चुअली वो गलती थी या कुछ और, ये तो जाह्नवी और बरखा ही जाने, पर जो भी सिचुएशन हुई थी दोनों के बीच बड़ी अजीब तो थी।
और शुरुआत तो जानवी ने करी थी, भले ही उसने इसका आरोप बरखा के ऊपर लगा दिए थे, पर उसे भी पता थी कि ये शुरुआत उससे हुई थी। और वो यही सोच रही थी कि हाउ कैन आई किस हर, कैसे मैं उसको किस कर सकती हूँ। यही चीज़ वो बार बार सोच रही थी। कमरे में उसकी मॉम आती है और बोलती है, क्या हो गई है तुम्हें, जब से आई हो तब से शांत हो, कुछ हुआ है क्या, इतना तो नहीं डरती हो तुम। जानवी अपनी मॉम की ओर देखती है तो उसकी मॉम बोलती है, बेटा क्या हो गई है, मुझे घबराहट सी हो रही है, डॉक्टर बुलाऊँ क्या, कुछ ज़्यादा डर गई हो क्या तुम, बोलो ना बच्चा, मैं परेशान हो रही हूँ, बोलो तो कुछ। लेकिन जानवी कुछ नहीं बोलती, बस इतना रिप्लाई कर देती कि मम्मा मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, और मैं डरती वरती नहीं हूँ, आई एम ए ब्रेव गर्ल। तभी उसकी मॉम बोलती है, बेटा मुझे भी पता है, ठीक है मुझे भी पता है, ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मेरी जानवी बेटी बहुत ही ब्रेव है और मुझे गर्व है इस चीज़ की, पर इतनी शांत क्यों हो पहले ये तो बताओ। अब जानवी क्या ही बोले कि उसने क्या किया है। उधर बरखा वो भी अपने घर जाती है। बरखा को थोड़ी बहुत गुस्सा आई हुई थी क्योंकि हर बार की जानवी की तो यही होती है, और बरखा की इंटेंशन तो वैसी थी ही नहीं, बस उसको ब्रीथिंग इशू हो रही थी और उसको CPR देनी थी बस, बाकी सारी चीज़ तो यहाँ पे वो ही करी थी। हाँ थोड़ी देर के लिए बरखा खुद उस चीज़ में वो होता है ना बहक जाती है तो वो वापस करती है, पर शुरुआत तो जानवी ने करी थी। पर इस चीज़ का भी आरोप बरखा के ऊपर लग चुकी थी तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा वगैरह आई थी। वो घर जाती है, शावर ले रही थी और शावर लेते लेते बस ये बोल रही थी कि पता नहीं समझती क्या है इस लड़की खुद को, कि हर चीज़ का मुझसे तुलना कर दी देती है, मतलब शुरुआत उसने करी है और मुझे ही कर दिया, ये आरोप लगाई कि मैंने फ़ायदा उठाई है। छी, मैं फ़ायदा उठाऊंगी, मैं जानवी मैं ना तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। जैसे ये बोलती है, शावर वगैरह लेती है, वो अपनी मॉम से थोड़ी बहुत चीज़ें कर रही थी तो उसको मॉम भी समझ रही थी कि गुस्से में है, तो पूछती है कि बेटा कुछ हुआ है क्या। बरखा कुछ नहीं बोलती, वो शांत थी, खाना वगैरह खा के बस वो अपने कमरे में चली गई थी। दूसरी ओर जो हमारी कशिश जी है अपनी मॉम के साथ जानवी के घर पहुँचती है, हॉल में जैसे देखती है जानवी की मॉम बैठी हुई है, फ़ोन पे अपने हस्बैंड से बात वगैरह कर रहे थे क्योंकि वो इन दोनों को छोड़ के वापस ऑफिस चले गए थे। तो जैसे ही आते देखते हैं तो कशिश भी एकदम से आते हैं, बोली कि मासी वो जानवी का है कि तुम आ गई, अब जाओ अपनी बहन को देखो, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रही है, जब से आई है तब से शांत है, शावर वगैरह ली है मैंने खाने के लिए, पूछी है कुछ नहीं खा रही है, और खा तो नहीं है वो अलग बात है, बट ये तो कुछ बोल भी नहीं रही है, क्या चल रही है इसके दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रही है, मुझे डर सी लग रही है, कुछ ज़्यादा डर गई है, तो मैं डॉक्टर वगैरह बुलाऊँ क्या, वो भी नहीं बोल रही है। तभी एकदम से कशिश बोलती है कि मासी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मुझे थोड़ी सी वक्त दीजिए, मैं बात करके आती हूँ। तो कशिश की मॉम भी बोलती है कि हाँ जाओ बेटा बात करके आओ, हम डिस्टर्ब नहीं करते, वैसे भी तुमसे बेहतर उसको संभालना और किसी को नहीं आती। तो एकदम से कशिश भागते हुए जानवी की कमरे की वहाँ पे चली जाती है कि जैसे वो जा रही थी तो भी एकदम से नीता की एक टेक्स्ट आती है कि जनाब जब आप घर पहुँच गई हो तो क्या आपको नहीं लगती कि मुझे एक बार इन्फॉर्म करनी चाहिए। जिसे देख के जो कशिश की फेस में स्माइल आ जाती है और वो रुक के एकदम से रिप्लाई करती है कि आई एम सॉरी, ये गुस्ताखी के लिए आप हमें माफ़ कर दीजिएगा, और हम जानवी की घर पे आए हैं। तो तभी नित्या की रिप्लाई आ जाती है कि कोई बात नहीं, उसको हैंडल करो, हम बाद में बात करेंगे। वैसे ही कशिश जानवी के कमरे में जाती है, जानवी पता नहीं एक डायरी की पन्ने को बार बार जो है पलट रही थी, एक बार इधर तो एक बार उधर। कशिश देखती है, थोड़ी देर के लिए वो कुछ नहीं बोलती, बस खड़ी रहती है और देखती रहती है कि जानवी करती क्या है। थोड़ी देर लगभग 5 मिनट तक वो देखती है और जानवी का वही रिएक्शन, बस पन्ने इधर पलटती है तो उधर पलटती है। एकदम से कशिश बोलती है कि अगर मन में कोई बात है तो उसे बता देनी चाहिए, ऐसे मन विचलित होकर बैठ के क्या करेगी तू, इससे कुछ फ़ायदा होगी क्या, परेशान तुझे ही होनी है, और अगर कोई बात है तो मासी को बता दे, अगर मासी को नहीं बता सकती तो मुझे बता दे, क्या प्रॉब्लम है तुझे, बताएगी तू, और इतनी सन्नाटा क्यों है कमरे में, लाइट ऑफ क्यों है,
तभी एकदम से जाह्नवी पीछे देखती है तो कशिश को देखती है। कशिश को देख के मानो उसकी जान में जान आ जाती है। वो एकदम से उठती है, आती है, कशिश को हक करती है। कशिश बोलती है, अरे क्या हो गई है, अरे तू रो रही है जाह्नवी, क्या हो गई, एक मिनट में लाइट ऑन कर लूँ। तभी जाह्नवी बोलती कि नहीं ना। कशिश बोलती कि रुक जा बाबा, करने दे, तो लाइट ऑन कर दी है। जैसे लाइट ऑन करती है, कशिश को कुछ ना कुछ तो आभास हो जाती है कि कुछ तो है। तो एकदम से वो क्या करती है, डोर को लॉक करती है और जाह्नवी के साथ वो बेड साइड पे आती है, बैठती है। जाह्नवी की हाथ पकड़ते हैं, बोलती है अब बता क्या प्रॉब्लम है, क्यों चीज़ों को लेकर इतनी परेशान है, तो कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है, बोलना। अगर मुझे नहीं बोलेगी तो किसे बोलेगी, वैसे भी तो मुझसे हर बात तू ऐसे धमका धमका के मतलब सुन लेती है, ट्रेड करके। मैं तो ऐसी नहीं हूँ ना, तो मुझे प्यार से बता दे, मैं फोर्स नहीं करना चाहती और ना ही अपनी कसम में तुझे बांध दूँगी, प्यार से पूछ रही हूँ, तू भी प्यार से बता देना, कॉपरेट कर। तभी जाह्नवी बोलती कि क्या बताऊँ, एक ना पूरी की पूरी दिमाग की ऐसी की तैसी होके रखी है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही है। देखिए क्या समझ नहीं आ रही है, तू जब तक बोलेगी नहीं मैं कैसे समझूंगी, मुझे तो बोल हुआ क्या है। तभी एकदम से जाह्नवी क्या करती है, बोलती कि देख मैंने ना जानबूझ के नहीं किया, पता नहीं मुझे अजीब सी हो रही है, पता नहीं कि एक तो ना तू पहले शांत हो जा, रिलैक्स हो जा और आराम से बता कि हुआ क्या है, क्या चीज़ है जो इतनी परेशान कर रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हाँ सफोकेशन हो रही है, डॉक्टर को बुलाए थे। बोलती यार बात डॉक्टर क्या करेंगे इस चीज़ में जब गलती मैंने करी है। बोलती आके आराम से, अच्छा ठीक है तू बताएगी नहीं थी मुझे कैसे समझ आएगी, पहले चीज़ तो मुझे बतानी पड़ेगी ना, फिर ना समझूँ मैं, एक तो तू बता नहीं रही, ऊपर से खुद ही परेशान हो जा रही है तेरे चक्कर में, मासी की तुझे पता है ना मासी की तबीयत ठीक नहीं है, वो खुद परेशान हो रही है, यार मैं क्या करूँ, मेरे दिमाग के ऐसा लग रहा है ना कि पूरी बंद हो चुकी है दिमाग काम करना। तभी कशिश बोलती हाँ तू कितनी बातों को घुमाती है, अब सच सच बताएगी, चल मैं ही पूछ ले, तू लिफ्ट में ऐसी क्या हो गई थी जिसके कारण तू तेरी ये कंडीशन है और जो वर्षा है वो जाते जाते चिढ़ के गई, अब बता। मुझे पता है, पूरी तरह से पता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो हुई होगी जिसके कारण ये सारी सिचुएशन हो रही है अब तेरे साथ, और अगर तुझे नहीं बोलनी है तो फाइन मैं तुझे फोर्स करूँगी नहीं, और अगर बोलनी है तो बिना बातों को ट्विस्ट करे सिंपल तरीके से बोल दे। तभी एकदम से जाह्नवी बोलती कि वो ना मैंने, बोलती कि क्या मैंने बोली ना, बिना बातों को ट्विस्ट करे सीधा बोल मुझे, और अगर मुझे बोलने में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, बस ऐसे परेशान रहा मत रहा कर, मासी खुद उनकी तबीयत ठीक नहीं, तेरे चक्कर में उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, बस यही बोलनी है, नहीं बोलनी है दैट्स फाइन, अब मुझे पूछना भी नहीं है, चल बाहर चलते हैं। ये बोलते हुए वो जाह्नवी के हाथ पकड़ते उठती है और जाने लगती कि तभी जाह्नवी एकदम से खींचती है, बोलती कि सुन तो ले, बोल तो रही हूँ ना मैं, हाँ और मैं तुझे नहीं बोलूँगी ना तो यार प्लीज़ वहाँ जाना प्लीज़, चल बोल मैं सुन रही हूँ, और जब तू बोलेगी मैं एक वर्ड तक नहीं बोलूँगी, तू प्रॉपर कंप्लीट करेगी तब मैं बोलूँगी, बीच में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, चल अब बोल, तुझे जो भी बोल रही है ना तू बोल सकती है मुझे। तब जाह्नवी एकदम से बोलती कि अरे मेरी भती ब्रस्ट हो गई थी, पता नहीं मैं कौन सी जोन में थी, वो एकदम से लिफ्ट की ये कंडीशन हो गई थी, मुझे सांस नहीं आ रही थी, बहुत सफोकेशन सी हो रही थी, मैं सांस ले ही नहीं पा रही थी, वो तो चुड़ैल। तभी एकदम से कशिश बोलती कि वो चुड़ैल नहीं तेरी मदद की है, ये बात को अपने दिमाग में एक साइड पे रख ले पहले तू, जो भी हो पर वो थी, वो मदद कर रही थी, हाँ ठीक है मदद कर रही थी, वो रब कर रही थी हाथ पैर, और एक समय में तभी एकदम से वो रुक जाती है। कशिश बोलती कि आगे, तभी बोलती कि वो एक समय पर वो मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी कि मैं बेहोशी की हालत में थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी और ना ही उस वक्त क्या हो रहा है मेरे साथ,
वो भी नहीं समझ पा रही थी। पर एक मोमेंट पे मैंने ये देखी कि वो वो तभी एकदम से कशिश बोलती कि मैंने बोली ना ये वो या क्या टूटे फूटे शब्द है मैं क्या समझूंगी। तभी जानवी बोलती कि अरे बोल तो रही हूँ वो मुझे सांस दे रही थी इस जस्ट लाइक वो CPR की जैसी होती है वैसी। तभी कशिश बोलती ओके ओके फिर हाँ तो पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गई थी कि मैंने वो उसको किस कर दी। कशिश बोलती व्हाट तो तूने देखिए हाँ तो ये देख मुझे नहीं पता कि कैसे कि क्यों पर वो मैंने कर दी थी तो उसके बाद का मुझे कुछ वो प्रॉपर ध्यान नहीं है पता नहीं कौन सी जोन में थी। तो फिर मुझे जब एहसास हुई तो मैंने उसको पुश कर दिया और बोली कि मेरी फ़ायदा उठा रही हो ये वो थोड़ी बहुत उसको वहाँ पे सुना दी। तो तभी कशिश अपने सर पे हाथ मारती होती कि जानवी कब सुधरेगी तू अरे अपनी गलतियों को दूसरों के सर पे मत डाला कर। और पहली बात पहले तो ये सोच कि ये सच में गलती है भी या नहीं। तभी जानवी होती मतलब कशिश होती कि तू इतनी भी बच्ची तो है नहीं ठीक है कि एकदम से रैंडमली तू किसी को किस करेगी बिना फीलिंग्स के हम किसी को किस कैसे कर सकते हैं जानवी। तभी जानवी बोलती कि तू बोलना क्या चाह रही है। तभी बोलती कि मैं बोलना यही चाह रही हूँ कि आई थिंक मुझे लगती है कि समवेयर यू फील फॉर हर। जानवी एकदम से खड़ी हो जाती है बोलती कि पागल हो गई है क्या क्या उल्टी सीधी बात कह रही है तू क्या 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 खा के क्या आई है। तभी एकदम से जो कशिश है बोलती कि कुछ नहीं खा के आई हूँ चाय पी के आई थी सॉरी कॉफ़ी पी के आई थी मैम के घर से। देखिए अच्छा तो कुछ ज़्यादा ही वो प्यार मिल मतलब अरे मैं भी क्या बोल रही हूँ यार। तभी एकदम से कशिश बोलती कि वही तो तुझे खुद नहीं पता तो क्या बोल रही है क्या कर रही है थिंक ना कि ये सारी चीज़ क्यों हो रही है। और तुम दोनों झगड़ते हो किस तरह के जैसे मियाँ बीवी होते हैं ना जिस तरह से। तभी एकदम से जान बोलती कि कशिश तू ऐसे तो मत बोल यार यार कैसे मुमकिन है। देखिए ये तो तू बताइए ना कैसे मुमकिन है। देख अपनी चीज़ों को खुद समझ जानवी। जानवी बोलती कि नहीं ऐसा है ही नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देख कशिश मुझे अब इस बारे में बात नहीं करनी है मुझे जो बतानी थी तुझे मैंने बता दी बस बात यहीं पे ख़त्म कर मुझे और ना कुछ बतानी है और ना ही और कुछ सुननी है उस चुड़ैल के बारे में। तभी कशिश बोलती ठीक है तुझे सुनना नहीं है एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है जानवी प्रॉब्लम ये है कि तुझे ये सारी चीज़ पता है पता होने के बाद भी तू उस चीज़ से भाग रही है यही है सच्चाई। और जिस दिन तू भागना बंद कर देगी ना उसी दिन खुद तू एक्सेप्ट कर लेगी ये बात भी कहीं ना कहीं सच्ची है एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। तभी एकदम से जानवी बोलती कि सपने में भी नहीं आएगी वो दिमाग ख़राब है तेरी। ठीक है नहीं पर तेरी ख़राब हो चुकी है अब चले नीचे मासी कब से परेशान हुई जा रही है तेरे चक्कर में। बोलते कि हाँ आई एम सॉरी वो बोलती मुझे सॉरी मत बोल हो सके तो उसे एक बार सॉरी बोल देना। तभी जानवी बोलती कि उसको सॉरी बोल दूँ और मैं कभी नहीं। तभी बोलती कि कशिश एकदम से बोलती कि देख कभी कभार गलतियों के लिए सॉरी भी बोलनी पड़ती है जब तुझे पता है कि शुरुआत तूने की है और तूने इस तरह से उसको ब्लेम भी कर दिया कि तुझे नहीं लगता कि उसे उसको एक बार सॉरी बोल देनी चाहिए। देख मैं तुझे फोर्स तो कर नहीं सकती पर अगर तेरे मन कहे ना कि तू तुझे सॉरी कहना है तो बस सॉरी बोल देना इट्स रिक्वेस्ट अब चल। ये बोल के वो उसे लेके जाती है नीचे वहाँ पे थोड़ी बहुत जानवी की मूड ठीक हो चुकी थी। तो जानवी की मॉम एकदम से कशिश को देख के बोलती कि कभी कभी ना तुम दोनों के बहनों के प्यार देखे ना मुझे जलन होती है। तभी एकदम से जो कशिश है बोलती कि क्यों मासी जलन और आपको वो क्यों बोलती कि मेरी एक लौती बेटी है उसको मैं इतनी अच्छे से नहीं संभाल पाती हूँ ना जितनी तुम संभाल पाती हो। तभी कशिश हंसते हुए बोलती कि क्या मासी बेटी आपकी है मैं आप भी ना। तभी वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें नॉर्मल होती है बात वगैरह होती है उसके बाद जो है कशिश है वो अपने घर चली जाती है अपनी मॉम के साथ। जानवी को बहुत अच्छे से समझा के जाती है और बाद में जानवी भी थोड़ी बहुत ठीक हो चुकी थी पर हाँ वो कशिश की बात को बार बार सोच रही थी उसे एक बार सॉरी तो बोलनी चाहिए।
पर अगली पल वो ये सोचती कि एक बार सॉरी बोलूंगी तो पता नहीं वो एकदम से सर पे उठ के नाचना शुरू कर दे, ये चीज़ वो सोच रही थी। और उधर वर्खा तो थोड़ी बहुत गुस्से में थी और तय कर लेती है कि उससे बात करना ही नहीं है, ना ही झगड़ना है। अब देखते देखते रात तो बीतने लगते है। रात की सोने से पहले नित्या और कशिश के बीच थोड़ी बहुत बात होती है, थोड़ी बहुत कपल वाली लवी डवी बातें भी होती है, उसके बाद सो जाते हैं। अगले दिन सुबह ही कशिश आ जाती है, सॉरी जो जानवी है वो आ जाती है कशिश को लेने के लिए। कशिश बोलती कि आज कुछ जल्दी नहीं आई तू? अब बोलती कि हाँ वो भूख लगी है, आधा ब्रेकफास्ट तो वहीं से करके आई हूँ, तो सोची कि आधा मासी के हाथ से कर लेंगे। सही है, आ जा बैठ जा। तो दोनों बैठते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। कशिश बड़ी गौर से जानवी को देख रही थी, जानवी आज बहुत नर्वस थी, समझ आ रही थी कशिश को। तो कशिश बोलती कि अच्छा तो तूने सोच लिया? जानवी बोलती कि क्या सोच लिया मैंने? उसे सॉरी बोलना है। तो जानवी चुप हो जाती है, कशिश एकदम से हंसती है और बोलती कि तू जितनी भी लाख कोशिश करना मुझसे छुपाने के लिए, पर तू छुपा तो नहीं सकती, तो कोशिश भी क्यों करती है? यह तुझे समझ कैसे आ जाती है ये बता पहले। तभी कशिश बोलती है क्योंकि मैं तेरी बहन हूँ और उसके साथ साथ मैं तेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हूँ। हाँ सही है, सब अंतर्यामी बन के बैठ जाओ और हमें कुछ पता ही ना चलता है, अब चले? तो बोलती कि हाँ चले। तो ये दोनों प्रॉपर तैयार शैयार होके ये लोग जाते हैं यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी पहुँचते ही जो जानवी है वो अपनी स्कूटी पार्क करती है। वहाँ से ये लोग बात करते करते एकदम से जा रहे थे क्लास की ओर कि तभी वहाँ पे जो बरखा है वो एकदम से कशिश की ओर देखती है और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है, क्योंकि वो भी अपने दोस्त के साथ ही आ रही थी। तो कशिश को देख के बोलते कि गुड मॉर्निंग कशिश, वो तुम ठीक हो? कशिश भी बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों बरखा तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, वो मैंने तुम्हें एक एनवलप दी थी ना, वो देखी तुमने? कशिश बोलती हाँ शिट, वो ना बैग में ही रह गई, मेरी ध्यान से चली गई थी, मैं देख लूँगी बाद में। तभी एकदम से बरखा बोलती कि हाँ ठीक है। ये बोलती हुई वो एक लुक जानवी की ओर देती तो है, पर अगले पल जैसे कि वो किसी को देखी ही नहीं है, इग्नोर करके चले जाते हैं। और जानवी की मानो कि मिर्ची लग जाती है, उससे बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, ओ हेलो, ये कैसा बर्ताव है? तभी एकदम से बरखा पीछे घूमती है और बोलती कि एक्सक्यूज़ जी, आप मुझसे बात कर रही है? ओ यहाँ पे मैं हूँ। तभी जानवी बोलती कि दिस इज़ नॉट फेयर, अगर एक को गुड मॉर्निंग बोला जाता है तो अगर उसके साथ कोई है तो उसे भी गुड मॉर्निंग बोलनी पड़ती है। ये ठीक है, हाँ ये अच्छा, तो आप चाहते हो कि मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलूँ? तो सीधा सीधा आप बोलो। तभी जानवी बोलती कि नहीं, मुझे तुम्हारी गुड मॉर्निंग की कोई ज़रूरत है ही नहीं, मुझे क्या ज़रूरत तुम्हारी गुड मॉर्निंग की, तुम हो या ना हो आई डोंट केयर। तभी एकदम से बरखा बोलती है तुम्हारी बातों से तो लग नहीं रही है ना जानवी, हाँ चाहती क्या हो पहले ये बताओ और खुद क्लियर हो जाओ पहले। तभी जानवी जो है वो कशिश की ओर देखती है, कशिश बोलती है जानवी, जानवी एकदम से चुप हो जाती है। तो बरखा एकदम से अपनी दोस्त के साथ वहाँ से जाने लगती है। तो कशिश जानवी को पूछती है कि क्या दिक्कत है कि अरे तुझे गुड मॉर्निंग बोली है और मुझे देख के ऐसी चली गई, पता नहीं कि मैं यहाँ पे मौजूद हुई ही नहीं, तू चाहती क्या है? तू खुद सोच ना, तुझे उससे दूर जानी है ना, उससे प्रॉपर बात करनी है, बस झगड़ना है, सोच कुछ तो वजह होगी ना, खुद ही सोच तू, अब चले क्लास। तो ये लोग क्लास में जाने लगते। जैसे क्लास में एंटर करेंगे कृष एकदम से दरवाजे पे खड़े थे और वो एकदम से कशिश की ओर देखते होते कि हाय गुड मॉर्निंग। वैसे कशिश कृष को देख के कोई रिएक्शन तो देती नहीं है, वो बोलती कि बेहतर यही है कि रास्ता छोड़ दो। तभी एकदम से कृष बोलती कि वैसे रास्ता छोड़ने का मन और इरादा दोनों ही नहीं है फिलहाल अभी। तभी जानवी बोलती कि नहीं है तो हम करवा भी लेंगे, हाथ हटा वरना ना बेटा हाथ ठीक से लेके नहीं जा सकता तू। तभी कशिश बोलती कि जानवी बात कर रही हूँ ना मैं, क्या दिक्कत है कृष तुम्हें? दिक्कत तो कुछ नहीं है ना, बस तुम्हें चाहिए। तभी बोलती कि कोई दुकान की चीज़ तो है नहीं ना मैं कि तुम्हें चाहिए और जाके खरीद के लेके आओ, और देखो मैं बार बार तुमको समझाऊंगी नहीं, मैं मना कर रही हूँ तो उसका मतलब ना है और समझ जाओ। कृष बोलते हैं कि वैसे कितनी बार मना करोगे तुम,
मैं तुम्हारे पीछे इतनी आसानी से तो छोड़ूंगा नहीं ना कशिश, एक ना एक दिन तुम्हें मुझे हाँ कहनी ही पड़ेंगे। तभी एकदम से कशिश होती कि देखते हैं वो एक दिन का बात है, तब तक अभी फ़िलहाल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और प्लीज़। तो जैसे ये बोलती है तो वहाँ से क्रिश हाथ हटा लेता है, और क्रिश के कुछ दोस्त भी बोलते हैं यार छोड़ ना इसका पीछा, अरे इससे भी अच्छे अच्छे लड़के हैं यूनिवर्सिटी में। तो बोलती कि तुम सारे चुप हो जाओ, मुझे सारे से कोई मतलब है नहीं, मुझे बस बस कशिश ही चाहिए। थोड़ी बहुत वहाँ पे बात वगैरह होता और ये लोग अब लेक्चर लेना शुरू करते हैं, एक एक करके अब लेक्चर भी शुरू होता है। और इधर बरखा, उसको तो थी कि वो जानवी से कोई बात करनी ही नहीं थी। हाँ उस दौरान वो एक दो बार कशिश से बात करती है चीज़ों को लेकर, पर जानवी को ऐसे इग्नोर करती है जैसे कि जानवी है ही नहीं। और कहीं ना कहीं जानवी को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि यार बात मतलब मुझे ऐसे कैसे इग्नोर कर सकती है ये। पहला क्लास इन लोगों का ख़त्म हो जाता है, दूसरा नित्या की थी, तो नित्या आती है और नित्या की आते ही कशिश की फेस में जो स्माइल थी, हाय एक करोड़ों वाली स्माइल जिसे देख के नित्या की दिल को ठंडक मिल जाती है। वो आती है और पढ़ाने लगती है, वहीं पे ही जो नित्या को हर वक्त एक लड़का जो है कॉमन पास करते कि मैम आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो ये वो, तो लड़के भी बोलते हैं कि अरे मैम पता है उस दिन मेरे बहन का बर्थडे था, आपको कितना मिस किया मैम, काश आप लोग हो सकते। तो नित्या भी एकदम से बोलती कि तो हमें तो इनवाइट करे ही नहीं आपने, अगर कर लेते तो हम भी आ जाते, वैसे भी हमसे एक सुनहरी मौका भी ख़त्म हो ही गए थे। इसका मीनिंग किसी को एकदम से समझ नहीं आ रही थी, पर हाँ कशिश समझ जाती है तो वो ब्लश करने लगती है। तभी जानवी बोलती कि हाँ हाँ सारे चीज़ें यहीं पर कर ले। तभी एकदम से कशिश बोलती कि क्या है तुझे क्या दिक्कत है ये, अरे मतलब इतनी ब्लश करने वाली क्या बात हो गई। बोलती कि कुछ नहीं तू चुप कर और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। नित्या आती है और वहाँ पे वो अपनी चीज़ें जो पढ़ाने लगती है, क्वेश्चन वगैरह चीज़ें होती है, उसके बाद वो खुद उसके क्लास जैसी ख़त्म होती है वो चली जाती है। उसके बाद एक और लेक्चर होते हैं, उसके बाद ब्रेक टाइम, ब्रेक टाइम में ये लोग सारे कैंटीन की ओर जाने लगते हैं। और जैसे ही कैंटीन की ओर जाने लगते हैं, जो जानवी के मन में कहीं ना कहीं कशिश की बात तो चली रही थी कि शायद उसे एक बार बरखा को सॉरी बोलनी चाहिए उस चीज़ के लिए, पर कहते हैं ना ईगो, ईगो अगर साइड में ना रखोगे ना तो बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। तो अपनी ईगो के साथ वो बैठी रहती है कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ, अब कर लिया तो कर लिया। पर अगले पल उसे याद आती है कि यार एक बार बोल के देख लेते हैं, क्या ही उखड़ जाएगी, एक सॉरी तो है सिंपल सी। जैसी ये लोग कैंटीन की ओर आती है, बरखा भी अपने दोस्त के साथ आके बैठ के बातें वगैरह कर रही थी। जो जानवी है थोड़ी थोड़ी देर में बरखा को घूरे जा रही थी, तो जो बरखा की दोस्त थी वो नोट करती थी और एकदम से बोलती कि शायद आज कोई ज़्यादा ही तुम्हें नोट कर रही है बरखा। बरखा बोलती कौन, बरखा उस वक्त खा रही थी, तो एकदम से उसकी दोस्त बोलती कि ये जानवी आज कुछ ज़्यादा ही तुम्हें नोट कर रही है, बात क्या है। तभी बरखा खाते खाते अपनी तीखी नज़रें जो है वो जानवी की ओर देखते, जानवी फटाक से अपनी फेस घुमा लेती है। बरखा समझ जाती कि हाँ उसके दोस्त सही बोल रही है, तो बरखा एकदम से बोलती कि शायद मैं आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हूँ तो लोग मुझे निहार रहे हैं। तभी एकदम से उसके दोस्त हंसती और बोलती ये भी सही है। तो एकदम से बरखा जो है वो बोलती कि एक मिनट यार मेरा खाना हो चुका है। तभी उसके दोस्त बोलती कि अरे इतनी जल्दी, बस अभी तो बोलती कि भूख नहीं है ना, तुम एक काम करो तुम खाओ बैठ के, मैं अभी आती हूँ, पहला वॉशरूम से आती हूँ फिर थोड़ी सी वो जूस पी लूँगी आके, ठीक है। ठीक अरे पर बोलती कि अरे यार भूख नहीं है ना, ये लो तुम ये खा लो मेरे बॉक्स से, वो देती है और वो एकदम से जाती है वहाँ से। जानवी उसे देखती है और इधर कशिश भी जानवी को एक बार नोट करती है, जिस तरह से बरखा चली गई थी जानवी बरखा को एक टक देख रही थी। और कशिश एकदम से बोलती है यही मौका है, जो सोच रही है वो कर ले तू, इतना कौन सोचती है। तभी जानवी बोलती है कि ये भी समझ गई, बोलती कि हाँ तेरी आँखें ना सब कुछ बता रही है, चल जा। ठीक यार उसके बाद क्या होगी, बोलती मुझे क्या पता, बस एक सिंपल सी सॉरी बोलनी है कि देखो कल की जो भी चीज़ हुई है उसके लिए हम सॉरी, बस इतनी सी बात है, जा। पर यार
इसका तो अलग ही सीन है ना। वो थी ये क्या अलग सीन है, तू जाएगी और नहीं जाएगी ना तो चुप से बैठ जाए इधर उधर, उसको ऐसे ताड़ा मत कर तू। मैं कब तड़ी? वो थी हाँ मेरे बगल में ही बैठी है, तू क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, तेरी नज़र सब समझ आ रही है मुझे। हद होती है कशिश, ये हरकत है ना मुझ पे शोभा देती है, तू करेगी तो अच्छी नहीं लगती। तभी कशिश हंसती है और वो थी अब क्या करे, कभी कभार अपनी बहन के रंग में भी रंगनी पड़ती है ना। थी वाह ये मैम क्या आ गई, तेरे रंग ढंग बदल रहे। वो बोलती कि प्यार में ना अच्छों अच्छों की वाट लग जाती तो हम तो एक, तो भी बोलती है हाँ हाँ बस कर, समझ गई मैं, ठीक है मैं जा रही हूँ यार। पर लेकिन जा भी तो ये बोलती है, जानवी एकदम से उठती है और वो भी वॉशरूम के साइड पे आती है। इधर बरखा आती है, वो अच्छे से हैंड वॉश वगैरह करके बस निकलेगी वॉशरूम से कि तभी एकदम से जो जानवी उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है। तो बरखा एक नज़र जानवी की ओर देखती है तो साइड में से जाने लगती है, तो जानवी फिर से उसके सामने जाती है। बरखा बोलती कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम यार, हाँ यहाँ पे जगह की कमी पड़ गई है, तुम एक साइड पे खड़ी हो जाओ, मैं जा रही हूँ, तुम जो करना है करो। तभी एकदम से जानवी बोलती कि वो तभी एकदम से बरखा बोलती है क्या वो मुझे तुमसे बात करनी है। बोलती अच्छा करो। तभी जानवी बोलती है आपको कुछ नहीं। बरखा बोलती है सही है तो फिर साइड हटो और मुझे जाने दो, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। ये बोलते हुए जाने लगती है। जानवी बोलती एक्सक्यूज़ मी मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तभी बरखा बोलती कि हाँ तो करो। फिर जानवी चुप हो जाती है। तभी बरखा बोलती कि पहले ना तुम खुद से बात कर लो, खुद से बात करके ना कंफर्म हो जाओ कि वाकई में क्या तुमसे मतलब तुमको मुझसे बात करनी भी है या नहीं, कंफर्म हो क्या हो ठीक है, अब मेरी रास्ता रोकना बंद करो। ये बोलते हुए वो जाने लगती कि तभी जानवी उसकी हाथ पकड़ती एकदम से कस के और उसे खींचते हुए वॉशरूम साइड की ओर ले आती है। तभी जी बरखा बोलती कि ये क्या बदतमीजी है, क्या ज़बरदस्ती है। बोलती कि हाँ तो नॉर्मल तरीके से बोल रही थी, समझ नहीं आ रही है क्या तुम्हें, बोल रही हूँ ना कि मुझे तुमसे बात करनी है, हाँ और ये क्या ये सारी चीज़ मुझ पर मत दिखाओ। बोलती कि एक्सक्यूज़ मी मैं क्या दिखा रही हूँ, ये एटीट्यूड वगैरह ये मुझे मत दिखाओ, तुमसे ना कोई ज़्यादा एटीट्यूड मुझ में है ठीक है। ठीक है हाँ तो रखो, तुम्हारी एटीट्यूड तुम्हारी ये सारी चीज़ तुम अपने पास ही रखो ना। अब मेरे अंदर है एटीट्यूड तो मैं दिखाऊंगी, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुमको थोड़ी ना सहना है एटीट्यूड, हाँ तुम हो कौन मेरी। तभी एकदम से जानवी बोलती कि देखो बरखा मैं नॉर्मल तरीके से बात कर रही हूँ तो मेरी बात सुनो तुम। बरखा बोलती कि कुछ बोली तो जा नहीं रही है तुमसे, बस खामा खा मेरी वक्त को वेस्ट कर रहे हो तुम। बोलती सॉरी खामा खा। तभी एकदम से जानवी बोलती कि क्या खामा खा। बरखा बोलती कि अरे यार क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, मेरी वक्त बर्बाद कर रही हो तुम बिन बात के, हटो सामने से हटो मुझे जाने दो, वैसे भी तुमको कुछ करना तो है नहीं टाइम पास के अलावा। तभी एकदम से जानवी बोलती कि एक्सक्यूज़ मी मुझे कोई टाइम पास करना नहीं है और तुम भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास करूँ। बोलती कि अच्छा तो फिर क्या चाहती हो तुम, ये बताओ। अब जानवी बोलती कि वो मैं तो तुमसे वो। तो बोलती कि हाँ मैं सुन रही हूँ। कि अरे यार रुक जाओ यार एक तो ना, हाँ ठीक है वो मुझे तुमसे बस ये बोलनी थी कि आई एम सॉरी मैंने जो भी किया बस ये बोलनी थी, देखो मैंने कोई जानबूझ के करी नहीं है, जो किया वो पता नहीं कैसे हो गई, मुझे तुम पे आरोप नहीं लगानी थी, उस तरह से मैंने बोल दिया तो उसके लिए आई एम सॉरी। एक लंबी सांस लेती है और बरखा बस उसे घूर के देखती है और फिर वो अपने दोनों हाथ को फोल्ड करती है, बोलती है ओके तो यू सॉरी, किस बात की सॉरी। जानवी बोलती है अभी तो बोली ना। अच्छा तुम साध जी के स्पीड में फटाफट फटाफट चीज़ें बोली हो, मैंने एक वर्ड भी नहीं सुनी। तभी एकदम से जानवी बोलती है ओ रियली सॉरी वर्ड सुनी है, हाँ सुनी है बस बात ख़त्म, वही बोलनी थी, अब तुम्हें जहाँ जानी है वहाँ जा सकती हो, बस मुझे जो बोलनी थी मैंने बोल ली। ये बोल दी जानवी एकदम से उसकी हाथ छूटती और वहाँ से जाने लगती है। बरखा बस जानवी को देखती है और एक समय पर वो एकदम से हंस देती है, इतनी ज़ोर से हंसती है कि वहाँ पे एकदम से एक लड़की अंदर आती है और बोलती अरे बरखा तुम हंस क्यों रही हो। बरखा बोलती है कि कुछ नहीं तुम अपना काम करो ना। बोलती यार काम मतलब मैं अपनी चीज़ें ही करने आई हूँ पर तुम तो यहाँ पे कोई है नहीं,
मतलब कुछ चीज़ का दौरे वगैरह पर गए, तो बोलती कि नहीं मैं उतनी भी पागल नहीं हूँ, और ये बोलती है बरखा वहाँ से निकल जाती है। तो आज कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में कि कब आएंगे, क्या होते हैं आगे की स्टोरी में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, बहुत जल्द फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, सी यू सून गाइज़।